पहले जो है हम अरबी को अच्छे से वॉश कर लेंगे और अपने हैंड्स पर जो है वो ऑयल लगा लेंगे, क्योंकि जब हम काटते हैं ना तो ये जो है हमारे हाथों में जो है वो खुजली मचती है, तो इसलिए हम पहले ऑयल अप्लाई कर लेंगे। अरबी को अच्छे से वॉश होने के बाद जो है हम इसे अच्छे से पील ऑफ कर लेंगे। मोस्टली जब हम अरबी बनाते हैं ना उबाल कर, तो वो थोड़ी लिबलिबी सी बनती है। अगर आप काट के बनाएंगे इस तरीके से तो जो वो है वो स्टिकी नहीं होगी ज़्यादा। सारी अरबी जो है वो हम अच्छे से जब मतलब पील ऑफ कर लेंगे ना, फिर हम उसे वॉश करेंगे पानी में। वॉश करने के बाद एक क्लॉथ लेंगे और उसमें जो है अच्छे से अरबी जो है इस तरीके से कर लेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं, ताकि ये जो अरबी जो हमने वॉश की थी इसमें जो पानी होगा, मॉइस्चर होगा, वो सारा जो है वो कपड़ा अब्जॉर्ब कर ले। इसके बाद जो है हम इससे जो है वो स्लाइस जो है वो कट कर लेंगे, थोड़े पतले स्लाइस दे लेंगे, ज़्यादा मोटे नहीं, मतलब ठीक। हमारी अरबी जो है हम अच्छे से स्लाइस लेने के बाद जो है कुछ ग्रीन चिलीज लेंगे, उन्हें वॉश करके जार के अंदर डाल देंगे। साथ में इसमें नमक ऐड कर लेंगे थोड़ा ज़्यादा सा, जो कि सब्जी के लिए भी सफिशियंट हो, ग्राइंड कर लेंगे। फिर एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल जो है वो गरम कर लेंगे। इसके अंदर डालेंगे हम अजवाइन। फिर जो हमने ये पिसी हुई हमारे जो पेस्ट था सॉल्ट का और ग्रीन चिलीज का, वो डाल देंगे। इसके बाद जो है हम अरबी के जो स्लाइसेस थे कटे हुए वो डाल देंगे। इसे जो है वो थोड़ी देर तक हम कुक करेंगे और इसमें थोड़ा सा जो है वो हल्दी पाउडर डाल देंगे। हम इसे जो है वो कवर नहीं करेंगे, इसे इसी तरीके से ओपन जो है वो कुक होने देंगे कुछ टाइम तक। जब आपको लगे ये थोड़े से जो अरबी के पीसेस जो हैं वो थोड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और ये जो है मतलब अच्छे से कुक हो चुके हैं, कट हो रहे हैं पीस, उस टाइम पर जो है ये हमारी अरबी जो है वो कुक हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसमें जो है मतलब दही डाल के इसे थोड़ी देर तक और कुक करिए, जब तक कि दही पूरा का पूरा ये अरबी में स्टिक नहीं हो जाता, और फिर इसमें कोरिएंडर जो है वो कट कर ले। तो ये एक तरीके की अरबी हो गई, और ये जो है मैंने दही डाल के कुक करी थी, उसके बाद जो है इसमें कोरिएंडर डाल दिया था, तो ये दूसरी तरीके की। सब्सक्राइब करें सोनाल गुप्ता चैनल को, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।